सो हे गाइज, अगर आपके पास ओप्पो A77 मोबाइल है और आप उसमें जो है ऐप हाइड करना चाहते हो, यानी कि किसी भी ऐप्स को हाइड करना चाहते हो, तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप किसी भी ऐप्स को हाइड करोगे और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप उन हाइड हुए ऐप्स को देखोगे। तो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल की जो सेटिंग है इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लोगे तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है, तो यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी का। तो सिंपली आपको क्या करना है, प्राइवेसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख पा रहे हो एक साफ साफ ऑप्शन मिल रहा है हाइड ऐप्स। तो आपको क्या करना है, हाइड ऐप्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहली बार बनाओगे तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर दिख रहा है सारे के सारे ऐप्स दिख रहे हैं, इनमें से जिस भी ऐप्स को आपको हाइड करना है सिंपली उसके आगे जो बटन लगी हुई इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको हैज लगा करके 4 अंकों का कोई भी पासवर्ड बना लेना है, ये एक्सेस कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 अंकों का कोई पासवर्ड बनाना है और उसके पहले हैज लगाना है, उसके बाद में भी हैज लगाना है। उसके बाद आपको राइट का निशान जो दिख रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद गाइज आप जितने भी ऐप्स को आप छुपाना चाहते हो उनको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद ये ऐप मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्रोम को मैंने हाइड किया, तो यहाँ पर देखोगे तो आपको क्रोम देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको देखना है तो क्या करना है, आपको जाना है अपने डायलर में और डायलर में वही वाला ऐप्स यहाँ पर, यानी कि वही वाला जो आपने अभी कोड बनाया उसको यहाँ से जो है क्या करना है, यहाँ से वही टाइप कर देना। तो यहाँ पर मैंने हैज लगा करके 4 अंकों का जो पासवर्ड बनाया था वो लगाया और फिर से हैज लगाएंगे तो देखिए मेरे हाइड हुए ऐप्स आपके सामने आ चुके हैं। यानी कि जितने भी ऐप्स आप हाइड कर दोगे तो उनको यहाँ से हिडन ऐप्स में देख पाओगे। तो इस तरीके से गाइज आप यहाँ पर किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हो।